सोइस अब आने वाली है यामा की XSR 155। इंडियन मार्केट में आप लोग सोच रहे हो कि लास्ट ईयर जो FGX आई थी उसने रिप्लेस कर दिया यार XSR को, तो बट नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। अभी जो XSR है ना वो आनी बाकी है इंडियन मार्केट में। XSR का कंफर्म है कि वो इस साल के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी। XSR कितना वेट करा है ना, काफ़ी सारे लोग तो और किसी बाइक पर मूव कर गए, लेकिन इसके सेगमेंट में ना जो बाइक्स आनी चाहिए वो अभी तक इंडियन मार्केट में आई नहीं है। इसकी टक्कर की कोई बाइक कोई कंपनी लेके ही नहीं आई, बट हाँ कुछ एक कंपनीज आ रही हैं, कुछ एक चाइनीज़ कंपनीज आ रही है, कुछ एक और कंपनीज आ रही है जो कि इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में इंट्रोड्यूस करने वाली है। एंड जो ऑटो एक्सपो 2023 होने वाला है उसमें तो भाई आपको इतनी सारी टू व्हीलर्स देखने को मिल जाएंगे ना कि आप भी बोलोगे कि यार ये कौन सा मेला देख लिया, मतलब टू व्हीलर का। तो टू व्हीलर्स में जो ना अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जिस वजह से यामा अपनी XSR को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगा ऑटो एक्सपो 2023 से पहले ही। ऑटो एक्सपो 2023 है भाई जनवरी में नेक्स्ट ईयर, तो जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे ना सबको अपन कवर करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल पे। बाकी बात कर लेते हैं XSR 155 के बारे में। देखो ज़्यादा कुछ बोलूंगा तो आप बोलेंगे भाई इसके बारे में तो पता है हमें, ये बताओ कब आनी है, कितनी प्राइस होगी, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूं यार, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि क्या चीज़ है XSR। XSR है गाइस एक यामा की ऐसी बाइक जो कि 155 सीसी इंजन के साथ में आती है, और ये बाइक जो है ना ज़्यादातर जानी जाती है अपने कम्फर्ट के लिए। इसका जो कम्फर्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है। सेकेंड चीज़, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस इसलिए क्योंकि इसमें वही इंजन है जो R15 और MT15 में ना सेम वही इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। उसके बाद इसके लुक्स, थर्ड जो है ना वो इसके लुक्स, लुक्स इतने शानदार है कि भाई कोई भी देख के फ्लैट हो जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, क्योंकि इसके लुक्स इतने प्यारे बना रखे हैं कंपनी ने। मतलब मेरे को तो यार देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसका जो मैट ब्लैक कलर है ना वो तो और भी जबरदस्त लगता है, और जब आप सीट की तरफ देखते हो ना तो आपको लगेगा कि भाई इससे ज़्यादा कंफर्ट किसी बाइक में होगा ही नहीं। हाँ इंडियन मार्केट में भी आ गई ना तो हंटर वगैरह मीटियर वगैरह सबको पीट डालेगी, क्योंकि भाई इसमें परफॉर्मेंस भी उससे ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद इसमें कंफर्ट भी उन सभी बाइक से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड लवर्स है वो तो है ही यार, रॉयल एनफील्ड लवर्स तो वो कभी भी इधर मूव नहीं करेंगे। यामा के लवर्स अलग है, रॉयल इनफील्ड के अलग है, तो अपन है भाई यामा के भी और रॉयल इनफील्ड R15 बोल रहा हूँ मैं, तो अपन तो भाई दोनों साइड है ठीक है। बट मैं मेनली जो देखता हूँ ना वो देखता हूँ कि यार कौन सी चीज़ ज़्यादा रिफाइन है, कौन सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो वो चीज़ तभी पता चलता है जब अपने हाथ में आती है। तो चलिए बात करते हैं इसके लॉन्च प्राइस। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ फीचर्स है इसमें ड्यूअल चैनल ABS, इसमें मिलता है आपको USD सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक, इसमें जो है आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, उसके बाद में रिस्पॉन्सिव इंजन मिल जाता है, काफ़ी चौड़े टायर मिल जाते हैं मल्टीपर्पज, जैसे कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हो ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हाईवे राइड भी कर सकते हो, सिटी राइड भी कर सकते हो। इसका जो हेडलैम्प है वो भी राउंड है, इसका जो कंसोल है वो भी राउंड है, और यहाँ पे जो ना सारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जितने भी इंफॉर्मेशन लाइक स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, उसके बाद में माइलेज, गियर इंडिकेटर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर में मिल जाएगी। करेक्टिव फीचर्स आपको कोई भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे। हाँ लेदर की जो है आपको फिनिशिंग मिलेगी इसकी सीट पे, जो कि आपको अच्छा खासा कंफर्ट देगी। उसके बाद इसमें जो है लिक्विड कूलिंग आपको देखने को मिलती है, तो 155 सीसी का वही इंजन है जो R15 में यूज़ किया जाता है, जो कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देता है। लाइक काफ़ी सही बाइक है यार, मतलब ये यामा की जो कि इंडियन मार्केट में अभी आपको फाइनली देखने को मिलने वाली है। तो कौन कौन लोग इसके लिए एक्साइटेड है भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो बाइक है ना यार, मतलब बाइक नहीं एक तरह से तोहफा हो जाएगा अपने लिए इस दिवाली आ गई। तो